राधे राधे दर्शकों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर आरके मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लव राशि फल 2024। कैसा रहने वाला है आपका प्रेम प्यार, क्या कुछ खास होने वाला है 2024 में आपके साथ में। साथ ही बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, साल 2024 को और भी खास बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अनुसार दी जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। यदि आपका कोई सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में #AstroRKMishra लगाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप अपने नाम राशि के अनुसार अपना भविष्यफल देख एवं सुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के जीवन में साल 2024 क्या लेकर आने वाला है, कैसा रहने वाला है उनका प्रेम प्यार। मिथुन राशि के जातक के लिए अच्छी खबर यह है कि यह साल प्यार और देखभाल से भरा रहेगा। मिथुन राशि वालों को रिश्ते में कुछ सबसे खूबसूरत पलों का अनुभव होगा। मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे या आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जब भी आपका झगड़ा होगा या छोटी मोटी सी बहस होगी तो आप सोचना बंद नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और थोड़ी सी भी गड़बड़ी से विचलित हो जाएंगे। यही कारण है कि मिथुन राशि वालों को इस दौरान सावधान और धैर्यवान रहने की जरूरत होगी। चलिए बात करते हैं पहले उन जातकों की जो सिंगल है। यदि आप सिंगल हैं और अविवाहित हैं तो वैसे जातक पूरे साल सब कुछ सकारात्मक और सुंदर अनुभव करेंगे। ऐसा भी समय आएगा जब आप किसी रिश्ते में खुद को सबसे ज्यादा भाग्यशाली पाएंगे। बीते सालों की तुलना में यह साल आपके लिए सबसे शानदार साल होगा। यदि आप लंबे समय से किसी कमिटेड रिश्ते में हैं तो इस साल आपको शादी करने का संकेत मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन जातकों की जो लव लाइफ में है, प्रेम जीवन में है। जो जातक प्रेम जीवन में है, लव लाइफ में है, लव रिलेशनशिप में है, उन जातकों को यह सलाह दी जाती है कि गंभीर और कमिटेड रिश्तों के लिए ही अपना कदम बढ़ाएं। जिनसे आप सच में प्रेम करते हैं या फिर जो आपसे सच में प्रेम करते हैं उनकी ओर ही अपना कदम बढ़ाएं। 2024 के बाद 6 महीनों में उपहारों और लग्जरी पूर्ण वस्तुओं के कारण रिश्ते में अधिक खर्च हो सकता है। इससे आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपकी बचत प्रभावित होगी, लेकिन चिंता न करें क्योंकि चीजें जल्द ही सुलझ जाएगी। अब बात करें उन जातकों की जो विवाहित हैं। आपके पार्टनर के साथ छोटी यात्राओं का संकेत मिल रहा है। आपके लिए सबसे रोमांचक चीजों में से एक यह होगा कि इस साल आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपने व्यावसायिक विचारों या नौकरी में प्रमोशन के विचार मिल सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं और आप अपने पार्टनर के साथ लंबे समय से प्यार भरे पल गुजारना चाह रहे थे तो उसके लिए यह समय काफी अच्छा है। अब बात करें हम उन जातकों की जो नो कॉन्टेक्ट में है। मिथुन राशि के जातक जो नो कॉन्टेक्ट में हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा परिणाम लेके आने वाला है। साल के शुरुआती कुछ 6 महीने आपके प्रेम जीवन में वह पार्टनर जो आपको ब्लॉक कर रखा था, आपको छोड़कर चला गया था, किसी तीसरे के पास चला गया था, उससे आपका संपर्क हो सकता है, वह आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और अपनी गलती की माफी मांग सकते हैं। दर्शकों, ये थी हमारी दी गई जानकारी मिथुन लव राशि फल 2024 कैसा रहने वाला है मिथुन जातकों के लिए, क्या कुछ खास होने वाला है साल 2024 में। अब हम बात करते हैं उपाय की, लव लाइफ के ऐसे कुछ खास उपाय जिसको अपनाकर आप अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। जो जातक सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं या फिर किसी और के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, रिश्ते में जाना चाहते हैं, वह जातक हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंत्र और विष्णु सहस्र नाम का जाप करें। जो जातक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, वह जातक प्रत्येक सोमवार को दूध में शहद और केसर मिलाकर महादेव का अभिषेक करें। अब बात करें हम उन जातकों की वैवाहिक जीवन में है, किंतु उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। बार बार पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं। उनके लिए यह उपाय है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे सफेद, पिंक कलर इत्यादि। दर्शकों, यदि आप हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो आपका पार्टनर है वह आपके साथ लॉयल है या नहीं, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, या फिर जिस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता है वह रिश्ता सॉलमेट टाइप का है, कार्मिक है या फिर ट्विन फ्लेम है, इसकी जानकारी यदि आप हमारे द्वारा चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क करें और जानकारी लें अपने पार्टनर के असलियत के विषय में और अपने करियर भविष्य के बारे में। तब तक विदा दीजिए अपने ज्योतिषमित्र आरके मिश्रा को। राधे राधे।